क्या हाल चाल है। आज की वीडियो हमारी है कि खोपरे को ग्रीन कलर जो है वो मैंने केसर से किया था। मैंने कुछ दिनों पहले 14 अगस्त की एक स्पेशल घी की रेसिपी शेयर की थी, जिनमें से कमेंट्स आया था कि आपने खोपरे को ग्रीन कलर किस तरह से किया है। तो उनकी फरमाइश भी आज आपको बता रही हूँ कि मैंने खोपरे को ग्रीन कलर किस तरह से किया था। बहुत ईजी है, आप खोपरे को ग्रीन के अलावा रेड, पिंक कोई भी कलर देना चाहें आप इजिली दे सकते हैं। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगा खोपरा पाउडर इस तरह से, और इसके बाद मुझे चाहिए होगा फूड कलर। ये मेरे पास जो फूड कलर है वो है कुछ इस तरह से, जिन्हें स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लें। लिक्विड में एक आता है साशे में, ठीक है, कुछ फूड कलर आते होते हैं इस तरह से साशे में, हमने ये वाला यूज़ नहीं करना। हमने जो यूज़ करना है वो हमने करना है लिक्विड में इस तरह से। मैंने जो कि अपने 14 अगस्त की जो खीर बनाई थी उसके लिए जो मैंने यूज़ किया था लिक्विड, मैंने ये तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट डब्बी पूरी लग चुकी है, थोड़ा सा ही रह गया है, ठीक है। तो आपने इसको करना क्या है, खोपरा ले लेना है जितना आपको रिक्वायर्ड हो, आप कोई भी कलर यूज़ करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर ड्रॉप्स गिराने हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा ड्रॉप्स गिराने में। तो आपने इसके ऊपर से ऐसे नोज़ल को निकाल लेना है, इट्स वेरी इजी। ये आपने इसकी ऐसी नोज़ल निकाल लेनी है और इसके अंदर आपने डायरेक्ट खोपरा डाल देना है। ये ऐसे खोपरे के ऊपर मैंने ग्रीन कलर डाला और इसको मैंने आप चम्मच के साथ अच्छे से पुश करना है। अच्छा, कोशिश करें आप ग्लव्स वगैरह पहन लें, मोर बेस्ट है। ग्लव्स नहीं है तो खैर हम ऐसे भी कर लेंगे। अब फिर हमने हैंड को अच्छे से वॉश कर देना, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने इसमें लिक्विड कलर अपना डालते जाना है ऐसे। वो मैं कहना जो मैंने वीडियो बनाई थी तकरीबन फुल बॉटल्स थी, अब फुल बॉटल्स में बहुत थोड़ा सा ही बचा था, तो आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कितना है। ये आराम से आपको बाज़ार से 40 से 50 रुपीज़ मिल जाएगी, कोई इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। ये देखें, आपको जितना डार्क करना है, लाइट करना है, जब तक आप इसको हाथ से अच्छे से इस तरह से मैश नहीं करेंगे आपका जो आपको चाहिए होगा कलर्स वो आपको नहीं आएगा। ये देखें, ये देखें, ये ग्रीन कलर हो गया। अगर आपको मज़ीद डार्क करना है जैसा कि इधर आया हुआ है, तो इसमें मैंने कलर और डाल देना है। अच्छा, इसका टेस्ट बिल्कुल भी अजीब सा नहीं होगा खाने में, जैसे कि बाद दफ़ा कड़वा होता है, कुछ भी नहीं था। सबने खाया था, बच्चों ने मज़े से खाया था, सबको बहुत यम्मी लगा था। इसमें आपका कलर कड़वा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, ठीक है, जितना आपका अच्छा हाथ से होगा, स्पून से नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको धूप में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अगर धूप नहीं है तो आप पंखे में 1 से 1.5 घंटा इसको छोड़ दें ताकि ये ड्राई हो जाए। आपने किसी भी डिज़र्ट पे लगाना हो तो ये अपना कलर ना छोड़े। तो ये था मेरा मेथड कि आप किस तरह से ईजिली घर बैठे खोपरे को मुख्तलिफ कलर्स दे सकते हैं। आप रेड देना चाहें, पिंक देना चाहें, कोई भी देना चाहें आप दे सकते हैं। तो आई होप जिनका ये क्वेश्चन था उनको समझ आ गई होगी। आपसे मैं चाहती हूँ इजाज़त, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।